बॉडी और स्किन की कई तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हम घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की एक समस्या है कोहनी और घुटनों का कालापन, जो देखने में तो बुरा लगता ही है, साथ ही ये स्किन को हार्ड भी बना देता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अगर आप बाजार से लाए क्रीम और लोशन इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तो यहाँ बनाए जा रहे उपाय आपकी कुछ मदद जरूर कर सकते हैं। खीरा और इमली, एक चम्मच खीरे का रुपए और आधा चम्मच इमली का गूदा मिलाएं और फिर इसे कोहनी और घुटनों पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। सिरका और दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि बिल्कुल ब्लीच की तरह काम करता है। एक कटोरी में दही और सिरके की एक मात्रा मिलाएं और इससे कोहनी और घुटनों की मसाज करें। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय को कुछ दिनों तक रोजाना करें। नारियल तेल, रोज रात को सोने से पहले अपने कोहनी और घुटनों की नारियल तेल से मालिश करें। नारियल तेल में लॉरिक एसिड और प्रोटीन होता है जो कि रूखी त्वचा को ठीक करता है। दूध और शहद, एक कटोरी में दूध और शहद मिलाकर इससे कोहनी और घुटनों की मालिश करें। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। इनके अलावा अगर आप रोज रात सोने से पहले नींबू का रुपए कोहनी और घुटनों पर लगाकर छोड़ दें और सुबह धो लें, तो फर्क आपको जरूर नजर आएगा।